नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बहरीन से रिलेटेड। जी हाँ, बहरीन से इंडिया के लिए फ़्लाइटों से रिलेटेड हम बात करेंगे भाई, वंदे भारत मिशन 5। जी हाँ, मिशन 5 के तहत 1 अगस्त से लेकर पूरी अगस्त में भैया फ़्लाइटें हैं बहरीन के लिए। तो लगभग 20 फ्लाइटों का शेड्यूल है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा भैया कौन सी फ़्लाइट में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अभी टिकट का कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है टिकट आप आराम से कहीं से भी एजेंसी से बुकिंग करवा सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सी फ़्लाइटें हैं। बाकी प्राइवेट जो चार्टर फ़्लाइटें हैं वो अलग से हैं, उसमें अगर आप आना चाहते हो तो भाई वो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसमें थोड़ी सी सस्ती टिकट पड़ जाती हैं। तो चलिए हम फ़्लाइट से रिलेटेड बात कर देते हैं, पूरे महीने की मैं बता दूंगा। स्क्रीन पर आप देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फेसबुक पेज वाले भी भाई फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई बात कर लेते हैं पहले बहरीन से। जी हाँ, बहरीन की सबसे पहले फ़्लाइट है साथियों, 4 अगस्त को फ़्लाइट है बहरीन से दिल्ली के लिए। जी हाँ, 168 यात्री आएंगे इसमें एक साथ में, बता दूं आपको। और भाई दिल्ली का मतलब है राजस्थान के भी शामिल हैं, यूपी, बिहार और इधर पंजाब, हरियाणा के लोग भी इसी फ्लाइट में ही नंबर आने वाला आपको। दिल्ली का मेन रीज़न यही है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं भाई, बहरीन से फ़्लाइट है चेन्नई के लिए। जी हाँ, 4 अगस्त को भी फ़्लाइट है, 149 यात्री आएंगे बहरीन से। फिर एक फ़्लाइट है साथियों, बता दूँ दिल्ली के लिए। जी हाँ, ये भी फ़्लाइट है, 6 अगस्त को फ़्लाइट है, अच्छी न्यूज़ है ये। 168 यात्री शामिल होंगे, 9:45 पे फ़्लाइट पहुंचेगी बहरीन से दिल्ली के लिए। तो भाई राजस्थान वाले भी इसी में आपका नंबर आने वाला है। 6 अगस्त को फिर एक फ़्लाइट है तेलंगाना के लिए। जी हाँ, 149 यात्री तेलंगाना हैदराबाद पहुँचेंगे बहरीन से। नेक्स्ट फ़्लाइट बात कर लेते हैं भाई, बहरीन से है बॉम्बे महाराष्ट्र। जी हाँ, 149 यात्री इसमें भी शामिल हैं, 149 यात्री पहुंचेंगे बहरीन से। है साथियों लखनऊ यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश की फ़्लाइट है, 149 यात्री इसमें पहुंचेंगे बहरीन से। फिर एक फ़्लाइट है साथियों दिल्ली के लिए, अच्छी न्यूज़ है भाई, दिल्ली फ़्लाइटें आ रही हैं तो भाई आपके लिए ठीक है। ये 13 अगस्त की फ़्लाइट है, बता दूँ आपको, 149 यात्री इसमें शामिल होंगे बहरीन से। फिर एक फ़्लाइट है साथियों, दिल्ली और भुवनेश्वर दोनों कॉमन फ़्लाइट हैं, एक साथ में 149 यात्री पहुँचेंगे बहरीन से। फिर एक फ़्लाइट है साथियों कोचिकोड़े के लिए, कोची के लिए फ़्लाइट है, 177 यात्री पहुंचेंगे बहरीन से। फिर एक फ़्लाइट है कोचिकोड़े के लिए, 177 यात्री पहुंचेंगे जी हां बहरीन से। फिर एक फ़्लाइट है साथियों केरला कोची के लिए, 177 यात्री इसमें पहुंचेंगे बहरीन से। फिर एक फ़्लाइट है कोचिकोड़े के लिए 13 अगस्त की, जी हाँ, 177 यात्री पहुँचेंगे। 16 अगस्त को बहरीन से है साथियों कोचिकोड़े के लिए, 177 यात्री आएंगे बहरीन से। फिर एक फ़्लाइट है साथियों 18 अगस्त को मंगलुरु के लिए, 177 यात्री पहुंचेंगे। 19 अगस्त को फिर एक फ़्लाइट है साथियों, बता दूं आपको, केरला कोची के लिए, 177 यात्री पहुंचेंगे। जी हां, आगे बात करें भाई, 25 अगस्त की बहरीन की फ़्लाइट है मंगलुरु के लिए। जी हां, 177 यात्री पहुंचेंगे। 26 अगस्त को बहरीन से कोची के लिए फ़्लाइट है, और बहरीन से फिर एक फ़्लाइट है 27 अगस्त को कोचिकोड़े के लिए। 28 अगस्त को बहरीन से कन्नूर के लिए एक फ़्लाइट है साथियों। जी, और फिर आगे बात कर लेते हैं भाई, लास्ट फ़्लाइट 28 अगस्त को है बहरीन से बॉम्बे के लिए। 28 अगस्त बॉम्बे के लिए एक फ़्लाइट का शेड्यूल इसमें दिया गया है। तो साथियों शॉर्ट तरीके से मैंने आपको 20 फ़्लाइटों का शेड्यूल बताया, लगभग 28 दिन में 20 फ़्लाइटें बहरीन से आने वाली है। तो ठीक है भाई, एक सवा दिन में एक फ़्लाइट आपका आ रही है दिल्ली के लिए, 4-5 फ़्लाइटें हैं। तो राजस्थान यूपी वाले, यूपी के लिए एक फ़्लाइट है, बाकी बिहार राजस्थान वाले को इसी में नंबर आने वाला है भाई आपका, क्योंकि गहलोत सरकार इजाज़त तो देगी नहीं है। यहाँ तो राजस्थान में तो फ़्लाइटें बहुत कम आ रही हैं। तो बस यही जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।